आज मैं आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी लेके आई हूँ। ये दवा आपकी कई सारी बीमारियों को जड़ से दूर करेगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से ये वायरल फीवर हो जा रहा है, ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक का हो रहा है। तो ये रेमेडी जो हम आपको बताने जा रहे हैं बिल्कुल घरेलू उपचार है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या से परेशान है, साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, माइग्रेन की शिकायत है, सर दर्द हमेशा बना रहता है, बुखार आपको छोड़ नहीं रहा है, वायरल फीवर हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको खांसी की समस्या से परेशान है, लगातार आपको सूखी खांसी आती है या फिर बलगम वाली खांसी आती है, तो दोनों तरह की खांसी में बहुत इफ़ेक्टिव ये ट्रीटमेंट है। साथ साथ आपके सर के दर्द को ये छू मंतर कर देता है। बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। इसमें किस तरह से बताया गया है, ये लगाने वाली भी चीज़ है सर दर्द के लिए, माइग्रेन की समस्या के लिए, और साथ साथ आप किस तरह से इसका सेवन करेंगे कि माइग्रेन की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो इस रेमेडी में जो डोजेस बताए गए हैं उस डोज के हिसाब से आप लेंगे तो कई सारी बीमारियां आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है इसको दबाएंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे ऑल ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इंग्रेडिएंट है पीपली। पीपली देखिए शहतूत के जैसा दिखता है, जब ये ड्राई हो जाता है तो इस तरह से दिखाई देता है। आपको इस तरह से ले आना है पंसारी की दुकान से, आयुर्वेदिक की दुकान पे मिल जाएगा या फिर पंसारी की दुकान पे मांगेंगे पीपली तो आपको मिल जाएगा। आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सोंठ। ये जो ड्राई जिंजर होता है, अदरक को सुखा के सोंठ बनाया जाता है, इस सोंठ को आप लेके आएंगे, ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, घर में किचन में भी आपके हो सकता है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे लेंगे काली मिर्च। ये काली मिर्च भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आजकल का जो मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी के लिए तीनों इंग्रेडिएंट आपको एक साथ इकट्ठा करना है। हम बताएंगे कहीं कहाँ पे आपको सिर्फ पीपली का यूज़ करना है, कहाँ पे तीनों चीज़ मिला के यूज़ करना है। इस रेमेडी को, ये जो हमारी पीपली है, ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष अगर शरीर में बढ़े हुए होते हैं, डिस्टर्ब हुए रहते हैं, तो उनको ये बैलेंस करने का काम करता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए एक दिन में एक टाइम पे 1 से 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दोनों टाइम पे अगर ले रहे हैं तो 4 ग्राम आपको लेना चाहिए, क्योंकि तासीर गर्म है इसलिए इसको उचित क्वान्टिटी में ही इसका यूज़ करना चाहिए। इसको कई रेमेडी को शहद के साथ लेना है, कई को दूध के साथ, कई को पानी के साथ। तो हम आपको आज वायरल फीवर, सबसे पहले वायरल फीवर अगर आपको हो गया है, सर्दी है, जुकाम है और ये वायरल फीवर छोड़ नहीं रहा है, तो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। आप इसको किस तरह से लेंगे इसे बहुत ही ध्यान से कहीं भी किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपको लेना क्या है, जो पीपली है, ये ड्राई पीपली को आपको सबसे पहले पीस लेना है। तो इसे आप क्या करेंगे, समान मात्रा में पीपली ले लीजिए और काली मिर्च का पाउडर, ये दोनों चीज़ आप अलग अलग इस तरह से एक समान मात्रा ले लीजिए, 50-50 ग्राम के करीब या 100-100 ग्राम के करीब आप पीपली ले लेंगे, काली मिर्च ले लेंगे, उसके साथ आप ले लेंगे ड्राई जिंजर यानी सोंठ। इन तीनों चीज़ों को आप पीस लीजिए। इसको पीस के आपको बना लेना है पाउडर। जब ये मिक्सी के जार में आप पीसेंगे बहुत आसानी से, छोटा छोटा आप इसे ड्राई जिंजर को तोड़ लीजिए और मिक्सी के जार में डाल कर पीस लीजिए, आराम से तीनों एक साथ मिक्स भी हो जाएगा, इस तरह से पाउडर बन जाएगा। उसको छान के आप इकट्ठा कर लीजिए और फिर आप क्या करेंगे, 2 ग्राम पीपली का चूर लेंगे, 1 चम्मच शहद के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर आपकी जड़ से ख़त्म हो जाती है। छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप 1/4 स्पून पाउडर देंगे और 1 चम्मच शहद के साथ उन्हें देंगे तो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। साथ साथ ये जो बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सूखी खांसी अगर आपको है तो आप क्या करेंगे, पीपली का चूर्ण ले लीजिए 2 ग्राम और उसमें 1 चम्मच शहद डाल के उसका सेवन करेंगे तो देखेंगे कफ वाला जो खांसी होता है ये दूर हो जाएगा। और अगर सूखी खांसी है तो पीपली पाउडर को आपको गुड़ के साथ लेना चाहिए, इससे सूखी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाती है। आप इसे लगातार दोनों टाइम पे लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ नेक्स्ट जो बीमारी है सिर दर्द, जिसे कहते हैं कभी कभी माइग्रेन जैसी समस्या हो जाती है, लगातार सर में दर्द बना रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीपली का जो पाउडर आपने बनाया है उसको जब आप पीस लेते हैं तो उसका हल्का सा पानी डाल के एक लेप जैसा बना लीजिए। तो उस लेप को अपने माथे पे लगाएंगे तो आप देखेंगे माइग्रेन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ साथ माइग्रेन को जड़ से दूर करने के लिए क्या करिए, 40 ग्राम देसी घी ले लीजिए
उसमें आप ये जो पीपली का पाउडर बनाया है आधा चम्मच डाल के उसे अच्छे से गर्मा दीजिए। जब सिर्फ घी बच जाए तो उस घी को 2 से 3 बूंद अपने दोनों नाकों में डाल के इसे खींचेंगे तो आप देखेंगे माइग्रेन की समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, आप सर दर्द से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव है माइग्रेन की समस्या के लिए पीपली का, इस तरह से आप यूज़ करिए और इसके लाभ को उठाइए, आप देखेंगे आपको इसे 100% रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट बीमारी है पीपली से हम दूर कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं दांत दर्द। अगर आपके दांत में किसी भी तरह की समस्या है, दांत में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, तो आप इसे क्या करिए, 1 से 2 ग्राम चूर्ण, 2 चुटकी उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच सरसों का तेल मिला के एक पेस्ट जैसा बना लीजिए, जैसे टूथपेस्ट होता है, उसी उंगली से या फिर अपने ब्रश से अपने दांतों पे लगाएंगे तो दांतों की सारी समस्या दूर कर देता है और दांत दर्द तो आपका चूमंतर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बीमारी है हमारे इनडाइजेशन के लिए, अगर हमारा कब्ज बना रहता है, पेट की समस्या है, डाइजेशन हमारा ठीक नहीं है या हमारे शरीर में ब्लड की कमी है तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पीपली का सेवन आप इसे किस तरह से करेंगे, आपको करना क्या है, चूर्ण ले लीजिए जो हमने बताया है, इस चूर्ण को जिस तरह से बनाएंगे आप इसमें सिर्फ पीपली का चूर्ण लेंगे और उसमें शहद ऐड करेंगे, यानी अगर आप 1 चम्मच पीपली चूर्ण ले रहे हैं तो 2 चम्मच शहद ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके आप इसे सुबह शाम लिया करिए तो आप देखेंगे आपके ब्लड में जो एनीमिया है, खून की कमी है, एनीमिया की बीमारी है, दूर हो जाएगी और ब्लड को ये पूरी तरह से प्यूरीफायर करता है। आपके ब्लड में कितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे टॉक्सिन्स को ये निकाल कर रिमूव कर देता है और आपके शरीर में ब्लड की कमी को भी दूर करता है। बहुत इफ़ेक्टिव है, ब्लड प्यूरीफायर का ये काम करता है, तो आप इस रेमेडी को इस तरह से यूज़ करेंगे आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो बीमारी है जो पीपली से दूर कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, चूर्ण को शहद के साथ जैसे हमने बताया है कि डाइजेशन के लिए, कब्ज के लिए और अगर हमारे ब्लड की कमी है तो उसके लिए आप इस तरह से यूज़ करिए, शहद के साथ चूर्ण लीजिए। दूसरी जो बीमारी हम बताने जा रहे हैं ये है पीरियड्स की बीमारी। अगर आपको पीरियड्स में पेट में दर्द होता है या फिर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पीरियड्स की अनियमितता है यानी कभी ज़्यादा कभी कम आती है, तो आप इसको यूज़ करेंगे, आप क्या करेंगे, पीपली के चूर्ण का काढ़ा बनाएंगे। 1 चम्मच पीपली का चूर्ण ले लीजिए, 1 ग्लास पानी में इसे अच्छे से पका लीजिए, जब ये आधा रह जाए तो आप इसमें शहद अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ ऐड करके इसे आप दोनों टाइम पे लिया करिए, आप देखेंगे कि पीरियड्स की जितनी भी समस्या है, पेट का दर्द होना या फिर कमर में दर्द होना, जितनी भी समस्याएँ होती हैं पीरियड्स के समय की, वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव है पीरियड में इसको यूज़ करके आप देखेंगे आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पीरियड्स की समस्या को दूर करने के लिए दूसरा भी तरीका है कि 3 ग्राम चूर्ण ले लीजिए पीपली का, उसे आप सुबह शाम गुनगुने पानी से लिया करिए, दोनों में से कोई भी एक नियम आप अपना सकते हैं, या तो आप काढ़ा बना के पी लीजिए या फिर चूर्ण इस तरह से डायरेक्ट खा सकते हैं। तो आपने देखा कि पीपली से कितनी सारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, इससे कई और भी बीमारियाँ जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। बस आपके लिए आज मैंने इतना ही शेयर किया, अगर आपको इसके बारे में और भी इफ़ेक्ट चाहिए कि इसे और कौन कौन सी बीमारी दूर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, हम आपके लिए बताएंगे कि और कौन कौन सी बीमारियां हम इससे दूर कर सकते हैं। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।